इंटीरियर आईएसएस बाय निहारा में आप सबका स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग मटेरियल की बात करने वाले हैं। सीएनसी कटिंग के बारे में हमें पता है और सीएनसी कटिंग एक्रेलिक पे होता है, एमडीएफ पे होता है, उस सब के बारे में हम जानते हैं। पर अगर रियल वुड पे सीएनसी कटिंग कराया जाए तो वो कैसे दिखेगा, वो आप कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं और उसका केयर और मेंटेनेंस क्या है, क्या प्राइस रेंज में ये मिलेगा, ये सारी चीज़ों की बात करेंगे। आज हम आए हैं एम्बियंस में थाने में और हमारे साथ सुनील जी हैं जो हमें ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं इस मटीरियल के बारे में। तो सीएनसी राउटर के ऊपर जो कटिंग होता है एमडीएफ के ऊपर और एक्रेलिक के ऊपर वो देखा है, बट यहाँ पर जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया तो रियल वुड के ऊपर जब कटिंग करते हैं तो ये कैसे करते हैं और एग्जैक्टली ये मटेरियल क्या है? ये मटेरियल एक्चुअली फिंगर जॉइंट बोर बोलते हैं। ये नेचुरल वुड के पीसेस और जॉइंट करके बनाए जाते हैं। अगर आप इसकी बारीकी में देखेंगे तो यहाँ पे जॉइंट्स दिखेंगे। ये प्रोडक्ट का नाम है फिंगर जॉइंट बोर बोलते हैं। नेचुरल बीटीसी वुड के बने हुए रहते हैं। इसके ऊपर हम लोग जैसे एमडीएफ हो गया, एक्रेलिक हो गया, कटिंग्स करते हैं। इसके ऊपर भी सीएनसी कटिंग से कार्विंग कर सकते हैं हम लोग। इसमें साइजेस के बारे में बताऊंगा तो आपको अपने डोर के रिक्वायरमेंट के साइज जो रहेंगे एज पर आवर साइज भी बना सकते हैं हम लोग। इसे और डिज़ाइन में भी थोड़ा बहुत कस्टमाइजेशन कर सकते हैं एज पर आवर सिलेक्टेड डिज़ाइन। हमको कोई डिज़ाइन पसंद है तो हम वो डिज़ाइन सीएनसी कटिंग में डाल के उसको कटिंग कर सकते हैं कार्विंग में। ओके, तो एमडीएफ और एक्रेलिक के ऊपर जब हम करते हैं तो वो किसी चीज़ के ऊपर लगाते हैं, बट ये जैसे इन्होंने एक्सप्लेन किया तो ये आपको मेन डोर के लिए वगैरह आपको कुछ चाहिए तो दिस इटसेल्फ विल बी द मेन डोर। मतलब आपको उस साइज में ऑर्डर देनी है। फॉर एग्जाम्पल एक स्टैंडर्ड हम पकड़ेंगे, एक 7 फुट बाय 3 फुट का दरवाजा है तो एक सिंगल पीस में इस तरीके से ये सीएनसी मशीन में जा सकता है, ये साइज बना सकते हैं। और फॉर ये नेचुरल बीटीसी टिक वुड है तो ये सबसे लॉन्ग लाइफ चीज़ है। मतलब नेचुरल वुड है, ये लॉन्ग लाइफ प्रोडक्ट होगा, इसको कुछ फ्यूचर में प्रॉब्लम नहीं होगा। खाली इस पर हमको जस्ट क्लियर पॉलिश करना, जैसे हम वुड पे पॉलिश करते हैं तो इसका ये जो कार्विंग का पार्ट है उसका इफेक्ट और उसके जो ग्रेन से वो सारे प्रॉपरली शो होते हैं। और बाकी मतलब लॉन्ग लाइफ चीज़ होगी, इसको अगर एक बार हम लगा देते तो सबसे बेस्ट चीज़ है अगर डोर पे यूज़ करना है। क्योंकि डोर के ऊपर एक वीनियर है या मोल्डिंग है, अलग अलग टाइप से वो चीज़ें एक्सप्लोर करके हो चुकी है, बट आपको एक कम्प्लीटली डिफरेंट कोई पैटर्न है, कोई प्रोबेबली एक थीम है जो थ्रू आउट द हाउस रिपीट हो रही है। तो पार्टीशंस में वगैरह ये चीज़ करते हैं, बट मेन डोर के लिए आप इसमें से कोई भी पैटर्न सेलेक्ट करके मेन डोर उसमें बना सकते हैं। और ये जो पैटर्न है इसमें एक्चुअली हमने एक मुलुंड में एक रेजिडेंस में ये डोर हमने इस तरीके से बनाया था जो एक्चुअली बहुत ही खूबसूरत दिख रहा था। और इसके ऊपर आप पॉलिश आपके हिसाब से कर सकते हैं, जो आपको लाइट चाहिए, डार्क चाहिए। और आई थिंक जैसे आपने वीनियर के वक्त एक्सप्लेन किया था कि यू कैन गो डार्कर बट नॉट लाइट, तो ये एक रूल है, डार्क आप जा सकते हैं, लाइट आप नहीं जा सकते। और पर इसमें आप मैट और ग्लॉसी आपको जैसे चाहिए वो पॉलिश आप कर सकते हैं। जिस लेवल का शीन आपको चाहिए तो आप पेंटर से कह के एक सैंपल बना के ले सकते हैं 2-3, तो आपको कितना ग्लॉस और कितना मैट उसमें अच्छा लग रहा है उस हिसाब से आप कस्टमाइज करके ले सकते हैं। बट डिजाइन वाइज कॉस्टिंग डजंट डिफर, डिजाइन वाइज तो मैटर नहीं करता, कॉस्टिंग थिकनेस वाइज मैटर करता है। 90 mm से थिकनेस मिलेगा, 90 mm मिलेगा, 25 mm मिलेगा, 30 mm, 35 mm मैक्सिमम। और उसके ऊपर नहीं मिलेगा डिज़ाइन कटिंग करके। इसमें अपन कॉस्टिंग स्टार्ट करेंगे तो एक 1500 पर स्क्वायर फीट से रेंज स्टार्ट होता है, फिर अपने थिकनेस जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे रेंज का प्लस होता जाएगा। तो एक 19-35। और ये जो आपने कॉस्टिंग बोला ये किस थिकनेस के डोर का? ये आप 25 mm लेते हैं, रेगुलर स्टैंडर्ड साइज लोग 25 mm में बनाते हैं, तो मैंने आपको 1500 जो बताया 25 mm डोर तक का रेट वो आ जाएगा आपको पर स्क्वायर फीट। फिर आप एज पर योर साइज वो स्क्वायर फीट कैलकुलेशन होता है और फिर वो रेट वो सबसे होता है। राइट, इसमें केयर और मेंटेनेंस क्या है? जैसे वीनियर्स होते हैं या नेचुरल सरफेसेस होते हैं उसको जिस तरीके से आप क्लीन करते हैं, इसमें 100% नो मेंटेनेंस है। ये नेचुरल वुड है, इसके ऊपर एक बार पॉलिश हो गया जो रफनेस रहता है वो निकल जाता है, एकदम सरफेस स्मूथ हो जाता है, डस्टिंग वगैरह भी बैठते नहीं। इसको नॉर्मल कपड़े से भी साफ किया, बस इजी क्लीनिंग है, उसमें कुछ केयर करने की जरूरत नहीं। लो मेंटेनेंस एकदम बेस्ट चीज़ है। और इसको वक्त कितना लगता है? बनने में मिनिमम 1 वीक लगता है बनने में। तो ऑर्डर और डिज़ाइन फाइनल करने के बाद 1 वीक के बाद आपको डायरेक्टली कंप्लीट एक रेडी डोर मिलता है, फिर आपको उसको हार्डवेयर लगाना है, जस्ट फिक्स करना है वहाँ पे। वंडरफुल। यहाँ पर बहुत सारे स्पेशल फिनिशेस में ऑप्शंस आप देख सकते हैं, काफ़ी कुछ यहाँ पर डिस्प्ले में चीज़ें लगाई हुई है। वील इंक्लूड द शॉप एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट नंबर इन द कमेंट बिलो, तो अगर आपको यहीं से कुछ सोर्स करना है या आप किसी दूसरे जगह से सोर्स करना चाहते हैं बट आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो डेफिनेटली आप उन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सुनील अगेन, थैंक यू सो मच एम्बियंस फॉर बीइंग द वंडरफुल होस्ट एज ऑलवेज, थैंक यू सो मच फॉर व्यूइंग द वीडियो। हमें ज़रूर बताइए स्पेशल फिनिशेस वाली सीरीज़ आपको कैसे लग रही है। इसी सीरीज़ में हमने और जो भी वीडियोस बनाए सारी वीडियोस की एक प्लेलिस्ट बनाई है, मेक श्योर यू सी ऑल द वीडियोस। मिलेंगे जल्दी ही एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो को लेकर, तब तक के लिए बाय।